हेलो एवरीवन, दिस ए आर्केड रिप्रेजेंटिंग एट द 9 डियर ऑल। फटाफट से जल्दी बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं। जी हां, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिए गए हैं, ऑफकोर्स उसमें से ही लगभग क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं सुनना, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप अब उसके अलावा कहीं और ध्यान मत दीजिएगा। वो टॉपिक पे फोकस कीजिएगा, अगेन हम टेलिंग यू, क्या टॉपिक पे फोकस कीजिएगा। चैप्टर यहां पर भी, जी हाँ, सीआर के चैप्टर 2, 3 एंड 4, इसके अलावा सारे आपके पास अवेलेबल हैं। 2, 3, 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वापस बता रहे हैं। जिनको नहीं मिले हैं, ऑफकोर्स फटाफट से ना के 9 के व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पे अपनी सेम रिक्वेस्ट को सेंड कीजिएगा। नंबर शो हो रहा है सामने, ठीक है, इस पर फटाफट से रिक्वेस्ट अपने सेंड कीजिएगा, ये फटाफट से आपको मिल जाएगा, इमीडिएटली मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान सुनना, जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर टेस्ट अटेंड किया, ठीक है, ध्यान सुनना, जिन्होंने रेगुलर टेस्ट अटेंड किया उनके को पेपर में प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो सकता है किसी के साथ में जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन ले रहा है, याद रखिएगा, उठा के चेक कर लीजिएगा, सारा ऑलमोस्ट वहीं से दिख रहा है, मिल रहा है, क्योंकि हमने उसे बहुत प्रिपेयरली प्रॉपरली प्रिपेयर किया है। अभी क्या कह रहा हूं, अभी क्या करना है, उसके लिए सिर्फ काम करना है, जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिले हुए हैं उन्हें मॉड्यूल से गो थ्रू करने की कोशिश कीजिएगा, किसी का नोट से मत कीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है, कोई नोट से पढ़ रहा है, पता नहीं उसके नोट्स किस तरीके के बने हुए हैं। अगर किसी के नोट्स प्रॉपर हैं, किसी भी फैकल्टी के जिसके भी आपके पास है, अगर प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई जगह टॉपिक्स में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक के ही पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे वहीं से मिल रहा है। सो मॉड्यूल्स अगर आप देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि मेरे बच्चों ने आपको जो मॉड्यूल्स जिन्होंने प्रिपरेशन करी है वो कॉन्फिडेंट है, उनके पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपके भी जा सकते हैं। थोड़ा सा अगर टाइम है तो ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, अगर प्रिपरेशन कर रखा है तो बहुत जल्दी देख लेंगे, कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ऐसा। और जैसा एग्जाम हो गया है हो गया है, उसके बाद में नहीं सोचना है, सब काम बाद में भी हो जाएंगे, अभी सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस। ऑलराइट, सो इसके लिए फटाफट से रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा, इसमें चैप्टर 2, 3 एंड 4 सीआर के यहां पर है, इसके अलावा चैप्टर वाइज सारे आपको मिल चुके हैं, उसे कंप्लीटली उस पर फोकस कीजिएगा। ऑलराइट, टॉपिक पे फोकस कीजिएगा, जैसे अगेन वापस टेलिंग यू, अगेन आई एम टेलिंग यू, व्हाट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है वो क्वेश्चन के टॉपिक में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, डिलिस्टिंग टॉपिक है, मैंने स्पेसिफिकली टॉपिक लिखा, तो आप डिलिस्टिंग जो पढ़ेंगे तो डिलिस्टिंग को गो थ्रू कीजिएगा प्रॉपर, ठीक है, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन घुमा सकता है, सो उसे समझ के याद करना है। ऑलराइट, विदाउट वेस्ट टाइम लग जाएगा पढ़ने। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।